रूहान की अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? ये कौन सी बकवास सी पिक्चरें देख के आई हैं आप? ऐसे ख्याल आपके जहन में जरा भी नहीं आने चाहिए। इन हालात में अम्मी के सामने आपको ये सब बातें करनी ही नहीं चाहिए। खुदा खैर करे, तुम लोग मेरी बात चाहे मानो या ना मानो, लेकिन ऐसी चीजें होती हैं। खैर जो भी हो, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए जब तक वो बुरी ताकत इस घर से नहीं चली जाती, मैं ये धुआं करती रहूंगी इस घर में। बाजी को तो इसकी सख्त जरूरत है। आरसी जलाल तू आई, हटाइए। ये क्या कर रही हैं आप? हटाइए जलाल तू आई, मैंने कहा हटाइए इसे। ये क्या कर रही हैं आप रूहान की अम्मी? अम्मी के जहन में कैसी बातें डालने की कोशिश कर रही हैं आप? किसी साय का नजर आना, किसी बुरी ताकत का बदला लेने के लिए घर में मंडराना, हमारा मजहब ऐसी सोच के सख्त खिलाफ है। आप देख रही हैं अम्मी कितनी परेशान है, पहले से ही इतनी डरी हुई है, आपकी बातों का कितना असर हो रहा है उन पे। क्या कर रही हैं आप? दुल्हन, इस वक्त रूहान की अम्मी गलत नहीं है। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये घर बस अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। कोई भी नहीं। अम्मी आपकी तस्बीह कहाँ? लीजिए, अपनी तस्बीह लीजिए और अल्लाह पाक को याद करिए, ऐसे ख्याल जहन में आना बंद हो जाएंगे। अम्मी, मेरे ख्याल से हमें घर में कुरान खानी करवा लेनी चाहिए। जरूर जरूर कुरान खानी करवाएंगे, लेकिन इसलिए ताकि इस घर में बरकत आए, साया और बुरी ताकत भगाने के लिए नहीं। और कब तक ऐसे सदमे में रहोगी तुम? कोशिश नहीं करोगी तो तुम्हें ठीक कैसे होगी? और ये कैसी बेहोशी है, अपने दिमाग और अपनी जुबान पर काबू ही नहीं तुम्हें? दादी अम्मी, ऐसा तो नहीं है ना कि जानबूझ के अपनी तबीयत खराब कर रही है, उसका ढोंग कर रही है, नाटक कर रही है उसका? हैदर, बड़ों के बीच में बोलने की इजाजत किसने दी तुम्हें? दुआ जी, बड़ी को दवाई दो। बाकी सब इस कमरे से बाहर जाओ। आओ गुलनास। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रूहान की अम्मी जानबूझकर अम्मी की दिमागी हालत के साथ खेल रही हैं, अम्मी को डराने की कोशिश कर रही हैं ये? अगर ऐसा है तो मैं उनके खिलाफ सबूत जमा करके उनके इरादों का खुलासा सबके सामने ज़रूर करूंगी।